तो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे गिंतामा सीजन 1 एपिसोड 5। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि गिंतोकी कागुरा और शिनपाची से पूछ रहा होता है कि उसकी चॉकलेट्स किसने खाई है। इसको सुनकर शिनपाची कहता है कि अगर वो चॉकलेट खाना नहीं छोड़ेगा तो उसे डायबिटीज हो जाएगी। और हम देखते हैं कि कागुरा न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है और उसके नाक से खून बहने लगता है। और गिंतोकी उसे पकड़ता है और उसे कहता है कि तुम बहुत डरावनी हो, जो कि अपने नाक से खून बहने पर भी खुश हो रही है। और गिंतोकी कहता है कि क्या उसकी चॉकलेट अच्छी थी। जिसको सुनकर कागुरा कहती है कि क्या चॉकलेट खाने से नाक से खून बहने लगता है। जिसको सुनकर गिंतोकी गुस्सा हो जाता है और कहता है मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मैं तुम्हारे खून से शुगर को स्मेल कर सकता हूँ। और वो तीनों वहाँ पर लड़ने लगते हैं। तभी हमें टकराने की आवाज आती है और वो तीनों बालकनी में बाहर आते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गिंतोकी का लैंडलॉर्ड उतोस बहुत गुस्सा होता है और वो उस एक्सीडेंट वाले आदमी को कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने मेरी दुकान को क्यों ठोक दिया। और वो कहता है कि अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी वो आदमी कहता है कि वो रात को नहीं सो पाया था, इस वजह से ये एक्सीडेंट हो गया। और हम देखते हैं कि उतोस उससे पंच मारने ही वाला होता है। तभी पीछे से शिनपाची आता है और कहता है कि उसे एक इंजर्ड पर्सन को नहीं मारना चाहिए। और वो उस इंजर्ड आदमी के पास जाता है और कागुरा को कहता है कि एम्बुलेंस को बुलाओ। और कागुरा जोर से एम्बुलेंस चिल्लाती है। तभी गिंतोकी एक लेटर को उठाता है और कहता है कि तुम एक पोस्टमैन हो। और हम देखते हैं कि वो पोस्टमैन गिंतोकी को एक एनवेलप देता है और कहता है कि इसे उसकी जगह पे पहुंचा दो। और वो कहता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसकी जॉब चली जाएगी। इसको कहकर वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों इनुई एम्बेसी पहुंच जाते हैं। अभी हम देखते हैं कि शिनपाची कह रहा होता है कि इनुई पहला अमांतो था जो कि पृथ्वी पर आया था। इस पर गिंतोकी कहता है हाँ, ये वही डरावने लोग हैं जिन्होंने इडो कासल पर खुला बारूद से हमला किया था और इस कंट्री को खोलने पर मजबूर किया था। और वो कहता है कि ये बहुत ही बेकार जगह है। अभी हमें पीछे से एक अमांतो की आवाज आती है और वो कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इसको सुनकर शिनपाची घबरा जाता है और वो कहता है कि वो तो यहाँ पर सिर्फ एक पार्सल को डिलीवर करने आए थे। और हम देखते हैं कि गिंतोकी कागुरा को कहता है कि इसे वो पैकेज पकड़ा दो। इसके बाद हम देखते हैं कि कागुरा उस अमांतो को छोटा कुत्ता कहकर बुला रही होती है। और हम देखते हैं कि गिंतोकी कागुरा को थप्पड़ मारता है और उससे पार्सल ले लेता है और उस पार्सल को उस अमांतो को दे देता है। इस पर वो अमांतो कहता है कि उसने आज कोई पार्सल के बारे में नहीं सुना था। और वो कहता है कि वो बॉम्बिंग को लेकर आजकल बहुत परेशान है और वो उन्हें घर जाने को कहता है। और गिंतोकी कहता है कि इसके अंदर शायद से डॉग फूड होगा। जिसको सुनकर वो अमांतो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो उस पैकेज को हवा में फेंक देता है। और हम देखते हैं कि अंदर एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। भी गिंतोकी कहता है कि उसे नहीं पता ये क्या हुआ, पर उसे अब अगला मूव पता है और वो कहता है भागो। और वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। हम देखते हैं कि वो तीनों एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और गिंतोकी शिनपाची को कहता है कि ये वो क्या कर रहा है। और शिनपाची कहता है कि वो यहाँ अकेला नहीं रहेगा। और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे अमांतो गार्ड्स आ जाते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और उन्हें बचा लेते हैं। इसको देखकर गिंतोकी कहता है ये तो जुरा है। अभी वो आदमी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो जुरा नहीं कात्सुरा है। और गिंतोकी उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। और हम देखते हैं कि वो चारों वहाँ से भागने लगते हैं और हम देखते हैं कि कोई उन्हें दूरबीन से देख रहा होता है। और वो अपने सबॉर्डिनेट को कहता है कि उनके बेस का पता लगाओ किसी भी कीमत पर। और हम देखते हैं कि हिचिकाता एक पोस्टर को देख रहा होता है और कहता है कि अमांतो वॉर का हीरो अब एक क्रिमिनल है। और हम देखते हैं कि वो अपने साथी ओकिता को उठने को कहता है जो कि सो रहा होता है। और वो एक्सप्लोजन की बात करने लगता है और कहता है कि तुम एक्सप्लोजन की साउंड में कैसे सो सकते हो। जिसको सुनकर ओकिता कहता है कि कौन सा एक्सप्लोजन, क्या कोई टेररिस्ट अटैक हुआ है। और वो हिचिकाता को कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। भी हम देखते हैं कि हिचिकाता कह रहा होता है कि वो कितने भी अमानतों को मारते उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो उन सब को मारना चाहता है और ये शिनचिन गुमी के लिए एक प्राउड मोमेंट होगा। और हम देखते हैं कि ये न्यूज टीवी पर आ जाती है और हम देखते हैं कि गिंतोकी, शिनपाची और कागुरा तीनों की शक्ल दिखाई जाती है। इसको देखकर शिनपाची कहता है कि उसकी बड़ी बहन उसे मार देगी। कागुरा कहती है कि वो टीवी पर दिख रही है, उसे अपनी मम्मी पापा को बताना है। और शिनपाची गिंतोकी को पूछता है कि हम इसमें कैसे फंसे। वो कहता है कि कात्सुरा से मिलना ही एक अच्छी चीज हुई। और शिनपाची गिंतोकी से पूछता है कि क्या कात्सुरा उसका फ्रेंड है। वो पूछता है कि वो किस टाइप का पर्सन है। और गिंतोकी जवाब देता है और कहता है वो एक टेररिस्ट है। इसको सुनकर शिनपाची शॉक हो जाता है। फिर दरवाजा खुलता है और आवाज आती है ये शब्द यूज करना बंद कर दो। और हम कात्सुरा और उसके साथी को देखते हैं और वो कहता है कि हम टेररिस्ट नहीं है। और वो कहता है कि हम फ्रीडम फाइटर है। के बाद हमें स्पेशल पुलिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि दो पुलिस आपस में बात कर रहे होते हैं और उनमें से एक कहता है कि क्या हमने उन्हें ढूंढ लिया है। और दूसरा पुलिस वाला कहता है कि यामाजाकी उन्हें फॉलो कर रहा है।
रहा है, अब कुछ शिक्षण की बात है, वो उनका बेस ढूंढ लेंगे। और कोंडो तोशी को कहता है गुड वर्क। तोशी वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि अभी बहुत जल्दी है थैंक यू कहने के लिए। और वो कहता है कि उन्हें इस शब्द को बचा कर रखना चाहिए जब तक वह उन्हें मार नहीं देते। और हम देखते हैं शिनपाची दूरबीन से दो पुलिस वालों को देख रहा होता है जो कि एंट्रेंस पे खड़े होते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर पीछे एक फैमिली होती है जो कि देख रही होती है कि वो किसे झांक रहा है। और वो कहते हैं कि हमें इसे पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट कर देना चाहिए। इसके बाद हमें कात्सुरा को दिखाया जाता है और वो कह रहा होता है कि मानतो उन कीड़ों के समान है जो इस देश को दूषित कर रहे हैं। वो कहता है कि हमें इन्हें देश से बाहर धकेल देना चाहिए और इस देश को एक बार फिर से लैंड ऑफ सामुराई बना देना चाहिए। और वो कहता है कि हम अपने देश को बचाने के लिए इन फॉरनर्स को यहाँ से बाहर फेंक रहे हैं। और हम देखते हैं कि शिनपाची इस फॉरनर एक्सपल्शन पॉलिसी के बारे में बताने लगता है जो कि 20 साल पहले शुरू हुई थी। और वो कहता है कि ये पॉलिसी 20 साल पहले शुरू हुई थी जब वो लोग एलियंस को बाहर फेंकने की कोशिश कर रहे थे, पर अमानतों के प्रेशर के कारण हमें ये दरवाजे खोलने पड़े। और वो कहता है कि इस मुसीबत के कारण सभी सामुराई इकट्ठे हुए और उन्होंने अमानतों को ईंटों से बाहर फेंकने की कोशिश की। और वो कहता है कि अमानतो बहुत पावरफुल थे, इसी कारण गवर्नमेंट को सरेंडर करना पड़ा। उन्होंने सामुराई का साथ छोड़ दिया और वो लोग अमानतों के साथ मिल गए। और इसके बाद अमानतों ने गवर्नमेंट पर कब्जा कर दिया और इसके बाद उन्होंने सामुराई की तलवार पर बैन लगा दिया और उन्हें पावरलेस बना दिया। और शिनपाची कहता है कि उसने सुना था कि उन विद्रोहियों को मार दिया गया था, पर उसे ये नहीं पता था कि वो लोग आज भी मौजूद हैं। और हम देखते हैं कि गिंतोकी कहता है कि हमें मैनिपुलेट किया गया है। वो कहता है कि क्या ये सही है मिस्टर पोस्टमैन। और तभी कागुरा कहती है कि हाँ मुझे ये जाना पहचाना लगता है। और गिंतोकी कात्सुरा को कहता है कि ये सब तुम कर रहे हो जिसकी वजह से सारे लोग पैनिक हो गए हैं। इस पर कात्सुरा कहता है कि मुझे किसी चीज पर हाथ फेरने थे, चाहे मुझे उसके लिए गंदे काम ही क्यों ना करने पड़े। और वो कहता है कि क्या वो उसे एक बार फिर से उसकी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, इस स्ट्रेंथ की वजह से उसे व्हाइट नाइट के नाम से जाना जाता था। इसके बाद हम लोग एक फ्लैशबैक देखते हैं, हम पर कात्सुर और गिंतोकी कह रहे होते हैं दुश्मनों के पकड़े जाने से अच्छा हम खुद को खुद ही मार देते हैं। तभी गिंतोकी कात्सुरा को कहता है कि मूर्ख मत बनो और अपनी लाइफ को एक ब्यूटीफुल वे में जीने का सोचो। और वो दोनों वहाँ पर लड़ने लगते हैं। अभी फ्लैशबैक खत्म होता है और हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। कात्सुरा कह रहा होता है कि इसके सफेद बाल उनसे लथपथ हुए थे। और कात्सुरा कह रहा होता है कि अमानतों के साथ वॉर में ये एक एंजल की तरह लड़ रहा था। और वो कहता है कि ये एक गॉड ऑफ वॉर की तरह लग रहा था, इससे एनिमीज ही नहीं बल्कि अपने लोग भी डर रहे थे। और वो कहता है कि अमानतों के अगेंस्ट फाइट करने के लिए उसे उनके साथ फिर से जुड़ जाना चाहिए। शिनपाची गिंतोकी से पूछता है क्या वो भी फॉरनर एक्सपल्शन वॉर में मौजूद था। कात्सुरा कहता है कि गिंतोकी उस फाइट के बाद वहाँ से डिसअपीयर हो गया। और वो कहता है कि उसे नहीं पता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तभी गिंतोकी कहता है कि उसे एक फाइट पसंद है पर उसे टेररिज्म से नफरत है। और वो कहता है कि युद्ध खत्म हो चुका है और तुम कब तक बार बार कोशिश करते रहोगे। और गिंतोकी कात्सुरा को कहता है क्या तुम मेरी मदर इन लॉ हो। और कात्सुरा कहता है कि तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करता क्योंकि तुम्हारा दिल इतना बड़ा नहीं है कि तुम किसी को इम्प्रेस कर सको। और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। और हम देखते हैं कि शिनचेनगुमी पुलिस फोर्स वहां पर पहुंच जाती है और गिंतोकी कात्सुरा को कह रहा होता है हमारी लड़ाई बहुत पहले खत्म हो चुकी है पर तुम अंदर ही अंदर अभी भी लड़ रहे हो। और वो कहता है कि तुम अभी भी इस देश की चिंता करते हो और तुम अमानतों और इस देश की गवर्नमेंट से गुस्सा हो। और वो अपनी तलवार उठाता है और कहता है कि चलो अमानतों को खत्म कर दें और इस करप्ट कंट्री को एक बार फिर से रिबिल्ड करें। और वो कहता है कि उनका अगला टारगेट स्पेसशिप टर्मिनल है। और हम देखते हैं कि दरवाजा टूट जाता है और वहाँ पर स्पेशल पुलिस फोर्स पहुंच जाती है और वो उन्हें कहती है यू आर अंडर अरेस्ट। और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं और भागते हुए वो लोग शिनचेनगुमी की बात करने लगते हैं जो कि एक आर्म्ड पुलिस फोर्स है। कात्सुरा गिंतोकी को पूछता है अब हमें क्या करना चाहिए बॉस। और गिंतोकी गुस्सा होता है और कहता है मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूँ। और हम देखते हैं कि एक पुलिस गिंतोकी पर तलवार से हमला करने वाला होता है। वो कहता है कि दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है और वो गिंतोकी पर अटैक करने लगता है। और वो कहता है कि मैं काफी इम्प्रेस हूँ, मेरे अटैक को कोई भी ऐसे डॉज नहीं कर पाता है। अभी गिंतोकी कहता है ये बहुत खतरनाक है, तुम क्या करोगे अगर मुझे लग जाएगी। इसको सुनकर वो पुलिस ऑफिसर गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा हूँ। और हम देखते हैं कि ओकिता तभी वहाँ पर आ जाता है, इजिकाता को दूर रहने को कहता है और उन पर एक तोप का गोला फेंक देता है। और वो हिजिकाता को कहता है क्या तुम जिंदा हो, और हिजिकाता कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं अभी मर जाता। और हम देखते हैं कि गिंतोकी के बाल जले हुए होते हैं और हमें पीछे से आवाज आ रही होती है कि ये लोग 15th फ्लोर पर है, अब ये कहीं भी नहीं जा सकते। और कात्सुरा एक टाइम बॉम्ब निकालता है और गिंतोकी उससे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। और वो कहता है कि उसने इसे टर्मिनल को फोड़ने के लिए रखा था पर अभी उसके पास कोई भी चॉइस नहीं है। अभी गिंतोकी कात्सुरा को गिरिबान से
पकड़ता है और कहता है कि अब इसे खत्म करो, और वो टाइम बॉम्ब नीचे गिर जाता है। और गिंतोकी कहता है कि उसका बिलीफ नहीं बदलेगा चाहे वो कुछ भी कर ले, और वो कहता है कि वो उन्हें प्रोटेक्ट करेगा जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहता है। और हम देखते हैं कि काबरा उस टाइम बॉम्ब के स्विच को दबा देती है, और बाहर से स्पेशल पुलिस फोर्स उन पर अटैक करने ही वाली होती है। तभी वो तीनों वहाँ से दरवाजा तोड़कर बाहर निकलते हैं और भागने लगते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि तुम यहाँ रुक जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो। और गिंतोकी कहता है कि उन्हें बॉम्ब को रोकने की जरूरत है। पुलिस फोर्स उस बॉम्ब को देखती है और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। और हम देखते हैं कि शिनपाची, काबरा और गिंतोकी उस बॉम्ब को इधर उधर करने लगते हैं, और हम देखते हैं कि उस बॉम्ब को फटने में सिर्फ 10 सेकंड बचे हुए होते हैं। और तभी काबरा गिंतोकी को अपने छाता से मारती है और उसे खिड़की से नीचे फेंक देती है, और गिंतोकी उस बॉम्ब को हवा में फोड़ देता है। तभी हम कात्सुरा को देखते हैं जो कि अपनी मेमोरीज को रिकॉल कर रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि दो शिनसेनगुमी ऑफिसर टीवी देखने आ जाते हैं और वो टीवी पर सोप ओपरा रीरन देखना चाहते हैं। एक स्पेशल रिपोर्ट आती है और उनके ब्रॉडकास्ट को इंटरप्ट कर लेती है, और वो दोनों बहुत गुस्सा हो जाते हैं, और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है।